और आप देखिए कि मैंने पूरी जान लगाकर इसके अंदर पंच मारा, लेकिन मेरा जो हाथ है ना वो इसके अंदर नहीं जा रहा। हेलो गाइज, मैं हूं अमित। गाइज, सबको पता है कि कोई भी जो मटेरियल, कोई भी जो पदार्थ है, वो या तो सॉलिड होता है या फिर लिक्विड होता है या फिर गैस होता है। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जो कि उनके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, कितना दबाव लग रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो सॉलिड रहेंगे या फिर लिक्विड रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही एक जादुई, एक गजब का मटेरियल हम आज की वीडियो में बनाने वाले हैं, तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस मजेदार लिक्विड को बनाने के लिए हमें जरूरत होगी कॉर्न स्टार्च की। कॉर्न स्टार्च जो है मक्के से बनता है, और साथ ही साथ में एक बाउल की जिसके अंदर हम इसको डाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस पैकेट को हम लोग खोल लेते हैं। तो वही पैकेट हो गया है खाली, और जो बाउल है वो आधे से ज़्यादा भर गया है, और ये जो एकदम आटे जैसा फील होता है। अब हमें डालना है इसके अंदर पानी, तो पानी ऐड करेंगे हम इसके अंदर, लेकिन मैं बहुत सारा पानी इसके अंदर ऐड नहीं करना चाहता। तो अब जो है पहले इस पानी को मैं चाहता हूँ कि थोड़ा मिक्सअप कर लेते हैं। और यार मिलाने में ये जो है एकदम अजीब सा ही है, और दोस्तों इसको जो है मिलाना इतना आसान बिल्कुल नहीं है। और भाई इस चीज़ को इंग्लिश में ओब्लेक भी बोलते हैं। ये जो है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होता है, यानी कि नॉर्मल लिक्विड से बहुत अलग बिहेव करता है, और उसका अंदाज़ा मुझे भी लग रहा है इसको मिक्सअप करते वक्त। तो भाई यहाँ पर हमने कॉर्न स्टार्च को और पानी को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और हमारा जो मटेरियल है वो एकदम तैयार है। आप देख सकते हैं दिखने में ये जो है लिक्विड जैसा ही दिख रहा है, जिधर हम इसको घुमाते हैं ये उधर ही जो है जाने लगता है। लेकिन दोस्तों ये जो है बहुत ही कमाल का लिक्विड है, एक नॉर्मल लिक्विड ये नहीं है। अगर मैं इसके अंदर इस चम्मच को इस तरीके से डालूँगा तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको जो है उठा सकता हूँ, और आप देखेंगे तो ये आपको जो है एकदम नॉर्मल लिक्विड की तरह ही लगेगा। अगर मैं इसको नीचे गिराता हूँ तो जो ये है नीचे भी गिर जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें जो कमाल है वो शुरू होता है यहाँ पर, कि आप मेरा हाथ देखिए एकदम साफ है। किसी भी लिक्विड में अपना हाथ डालूंगा तो इसके ऊपर वो लगेगा, लेकिन अगर मैं ज़ोर से अपना हाथ इसके अंदर डालता हूँ, भले ही मैं यहाँ पर मुक्का भी मारता हूँ ना, तो भी इसके अंदर कुछ नहीं होता। चम्मच को तो जो है बाहर निकाल लेते हैं, और आप देखिए मैंने पूरी जान लगाकर इसके अंदर पंच मारा, लेकिन मेरा जो हाथ है ना वो इसके अंदर नहीं जा रहा, सिर्फ सरफेस के ऊपर थोड़ा लग रहा है। अगर मैं जोर से इसको दबाता हूँ तो भी आप देख सकते हैं मेरा जो हाथ है वो इसके अंदर जाता है नहीं। और दोस्तों मैं हाथ से ही नहीं, आपको इस जग से भी ऐसा ही करके एक बार दिखाना चाहूंगा। तो आप देखिए जो जग है वो भी इसके अंदर नहीं घुसा। दोस्तों अगर मैं अपने हाथ को इस तरीके से जोर से ना ले जाने के बजाय थोड़ा आराम से इसको ले जाऊं, तो यार जो हाथ है ना वो बहुत इजीली इसके अंदर चला जाता है, और ये जो है एकदम लिक्विड की तरह बिहेव करने लग जाता है, जो लिक्विड है वो हाथों में लग भी जाता है। दोस्तों है ना कमाल की चीज़। अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से करता हूँ तो आप देखिए ये जो है फिर से सॉलिड की तरह बिहेव करता है, और मैं जैसे ही सॉलिड को अपने हाथ में लेता हूँ, बूम, जो सॉलिड है वो लिक्विड बन करके नीचे गिर जाता है बेहद अजीबोगरीब तरीके से। तो भाई है ना कमाल की चीज। और हम भले ही कितनी भी कोशिश करें इसको पकड़ने की, हाथ में तो आ जाएगा, लगेगा कि सॉलिड है, जितना मैं इसको दबाता रहूंगा लगेगा ये ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा जो है सारा का सारा जो सॉलिड था वो लिक्विड में बदल करके नीचे बह जाएगा। तो भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। हमारा दूसरा चैनल अमित XYZ भी आ चुका है, जिसके ऊपर और मस्त मस्त वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार। हाथ में हिला नहीं सकता।